हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज हम नवरात्रि स्पेशल फास्टिंग फूड यानी कि व्रत स्पेशल साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे, सैगो खिचड़ी। अक्सर साबूदाना खिचड़ी स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, बट डोंट वरी, आज का वीडियो में आपको बताऊंगी बिना चिपचिपे कैसे खिला खिला साबूदाना खिचड़ी आप बना सकते हो। इसका लिए आप मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है? तो चले बनाते हैं साबूदाना का खिचड़ी। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। हाफ कप साबूदाना ले रही हूँ और एक छोटे दाना का साबूदाना है, स्मॉल साइज का है। पर्सनली मुझे साबूदाना का खिचड़ी में छोटे दाना का साबूदाना अच्छा लगता है। अगर आप मोटे दाना का लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अभी हमें साबूदाना अच्छा से वॉश करना है, 3-4 बार वॉश करना है हमें, क्योंकि साबूदाना में स्टार्च होता है। ये देखिए एकदम वाइट पानी है क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। अगर साबूदाना में स्टार्च रहेगा तो खिचड़ी खिला खिला सा नहीं बनेगा, चिपक जाएगा, इसलिए हमें अच्छा से वॉश करना है। वॉश कर लेती हूँ साबूदाना, मैंने अच्छा से वॉश कर लिया और पानी भी निकाल दिया क्योंकि हमें अभी पानी डालना है इसमें, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पानी डालना। साबूदाना भिगोने के लिए पानी का मेजरमेंट एकदम सही होना चाहिए। अगर आप कम पानी डालोगे तो साबूदाना हार्ड रहेगा क्योंकि साबूदाना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, मैश हो जाएगा, फिर खिचड़ी ठीक से नहीं बनेगा, चिपक जाएगा। तो इसलिए पानी का मेजरमेंट सही होना चाहिए। तो मैंने जिस कप से साबूदाना लिया था हाफ कप, उसी कप का मेजरमेंट से मैं पानी ले रही हूँ। हाफ कप पानी मैं इसमें ले रही हूँ। ये देखिए, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। अभी मैं इसे 3-4 आवर्स सोक करके रख दूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी का लोगे तो आप ओवरनाइट सोक करेंगे तो अच्छा है, लेकिन मैंने हाफ कप लिया था इसलिए मैं 3-4 आवर्स ही सोक करूँगी। ये देखिए साबूदाना कैसा फूल गया है, हमने हाफ कप साबूदाना में हाफ कप पानी डाला है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो 1-2 स्पून पानी एक्स्ट्रा डाल सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ा। और साबूदाना सॉफ्ट भी हो गया है, खिला खिला सा है, देखिए इसमें पानी नहीं है, लेकिन साबूदाना में थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया, देखिए एकदम स्टिकी नहीं है। अगर आपको लगे थोड़ा बहुत अगर पानी है तो हम क्या करें, तो मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके, इसमें पानी है भी नहीं। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये देखिए, ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा ही होना चाहिए, एकदम खिला खिला सा, फिर खिचड़ी चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छा खिचड़ी बनेगा। पानी का मेजरमेंट एकदम सही होना चाहिए। इधर मेरा पास स्किनलेस ड्राई रोस्टेड पीनट्स है, 1 टेबलस्पून लिया है। इसे मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। ये जो क्रश किया हुआ पीनट्स है साबूदाना में डाल देते हैं। बैलेंस के लिए 1/4 टीस्पून शुगर ऐड कर रहे हो, ये ऑप्शनल है, इसे मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो हो गया। अभी हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी चेक कर लेते हैं। साबूदाना का क्वांटिटी का हिसाब से मैंने इधर एक स्मॉल साइज का बॉइल्ड पोटैटो लिया है, उबला हुआ आलू, और आलू मैंने स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है, और 6-7 पीसेस करी लीव्स, 3 पीसेस ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च फाइनली चॉप कर लिया है, और 1 टेबलस्पून हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स रफली चॉप कर लिया है, 1/2 टेबलस्पून पीनट्स, 2 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून लाइम जूस, 1/2 टीस्पून सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून जीरा क्यूमिन सीड्स। सेंधा नमक ऐसा होता है सबको पता ही है, व्रत में यूज़ किया जाता है। इनमें से जो भी इंग्रेडिएंट्स आप व्रत में नहीं खाते हो वो आप स्किप करें, और इंग्रेडिएंट्स आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो आपका टेस्ट के हिसाब से। गैस मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम पे रखा है, इसमें अभी ऑयल डाल
देते हैं। तेल गरम हो गया, सबसे पहले हम पीनट्स फ्राई करेंगे। आप चाहो तो घी भी ले सकते हो। हल्का कलर चेंज होने तक हम पीनट्स फ्राई करेंगे, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हमें। पीनट्स फ्राई हो गया, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी आलू फ्राई करना है। आलू भी स्लाइट गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। अभी आलू साइड में कर देते हैं और इधर जीरा डाल देते हैं। जीरा थोड़ा फ्राई होने देते हैं, पैटर होने देते हैं। अभी ग्रीन चिली डाल देते हैं और साथ में करी लीव्स। अभी ये जो साबूदाना हमने लिया है ये भी डाल देते हैं। साबूदाना हमें 4-5 मिनट पकाना है, जब तक कलर टाइप के चेंज ना हो जाए, ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमें पकाना है। अभी हम ऐड करेंगे सेंधा नमक। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच। ये देखिए, मैंने नॉनस्टिक यूज़ नहीं किया है, ये सिरामिक का है, नॉनस्टिक नहीं है। आलू फ्राई करते वक्त थोड़ा स्टिक हुआ था क्योंकि बॉइल्ड आलू है इसीलिए, लेकिन साबूदाना देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, खिला खिला सा ही है। देखिए आज का जो टिप्स मैंने शेयर किया है A to Z, आप अगर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो आपका साबूदाना का खिचड़ी एकदम खिला खिला सा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, स्टिक भी नहीं होगा, चिपक नहीं जाएगा। इसी तरह मीडियम फ्लेम पे हम चलाते रहेंगे 4-5 मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक। अगर आप फास्टिंग के लिए नहीं बना रहे हो तो आप सादा नमक यानी कि रेगुलर जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हो। टमाटर, हल्दी, अदरक और लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हो। इससे क्या होगा, लुक चेंज हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा कलरफुल होगा और खाने में भी टेस्टी होता है। लेकिन आज मैं फास्टिंग के लिए बना रही हूँ इसलिए वो सब नहीं डाल रही। अब हमें इसमें पीनट्स डालना है, लाइम जूस, ओरिएंडर लीव्स। अभी और 2 मिनट हमें पकाना है। देखिए कितना अच्छा खिला खिला सा कलर भी चेंज हो गया थोड़ा सा। अगर आपको और भी कलर चेंज करना है तो 3-4 मिनट और कुक करें, और बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है, चिपका नहीं है बिल्कुल भी, साबूदाना सेपरेट है। अगर आप बाद में खाओगे तो माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो, या तो आप गैस स्टोव में एक पैन में पानी डालें, थोड़ा सा बहुत कम 1/2 कप पानी डालें और साबूदाना का खिचड़ी एक बाटी में ट्रांसफ़र करें, फिर उस बाटी को पानी गर्म होने के बाद पैन में रखें और थोड़ा टाइम के लिए ढक के रखें 5-10 मिनट। साबूदाना इसमें गर्म तो हो जाएगा और सॉफ्ट भी रहेगा। देखिए साबूदाना का खिचड़ी हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी हमें और कलर चेंज नहीं करना है, ज़बरदस्त खिचड़ी बना है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। चलिए अभी स्विच ऑफ कर देते हैं फ्लेम और डिश आउट करते हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने हरी मिर्च डाला है इसलिए ब्लैक पेपर नहीं डाला। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनता है। आई होप आज का साबूदाना की खिचड़ी आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।